हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कोविड-19 की वजह से हमारी पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पा रही है और अभी इसी के संदर्भ में इसी को ध्यान रखते हुए मैंने जो है वीडियो के माध्यम से हमारे सिलेबस को पूरा करने की एक प्रयास किया है और इसी के संदर्भ में आज हम पार्ट बी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषता। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान एक वह बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करता है उस राजनीतिक व्यवस्था का जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। तो संविधान क्या है? संविधान राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, संविधान राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। और सरल शब्दों में कहें तो किसी भी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया गया दस्तावेज क्या है? संविधान कहलाता है। अब देखिए, अब संविधान के बारे में हमने जान लिया, अब जानते हैं संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे फिट बैठेगा? सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान यानी भारत का जो संविधान है वो जनता द्वारा निर्मित किया गया है और भारत की जनता ने स्वयं इसे अंगीकार अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। भारत की जनता पर किसी भी प्रकार का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? किसी भी प्रकार का बाह्य या आंतरिक हस्तक्षेप नहीं है, या फिर कोई बाहरी या आंतरिक हस्तक्षेप नहीं है, या किसी प्रकार का कोई नियंत्रण भारत की जनता पर नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान अपने आप में सर्वेसर्व है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, किसी भी अन्य जो है बाहरी या आंतरिक सत्ता द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। अब सेकेंड जो आती है वो आती है भारत का संविधान देश का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। अब देखिए, भारत का संविधान जो है हमारे संविधान विदों के द्वारा 1947 में बनाया गया था, जिसे जो है जिसे भारत के आर्थिक और भौगोलिक स्थिति को देख करके विश्व के सभी देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात जो प्रस्तुति वस्त्र हमारे देश के लिए बेटर था उन विधियों को उन कानूनों को भारत में लागू किया गया था। और भारत का जो संविधान है उसमें टोटल 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में विद्यमान है। जब भारत का संविधान निर्मित हुआ था, बनाया गया था, तब उसमें उस टाइम मौलिक मूल नीति में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। जो है संशोधन स्वरूप जो है और अनुसूचियों को ऐड किया गया संरचना पर वर्तमान में 12 अनुसूचियां निर्धारित की गई है देश का। और अगर हम कैसे जानते हैं कि विश्व भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसके लिए हम देखो कंपेरिजन करते हैं जो
जाता है वो है अमेरिका। अमेरिका में कितने अनुच्छेद है कुल? अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद है। कितने? 7। कनाडा के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 147। वही ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 128। और वही जो है साउथ अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। अब देखिए भारत में 395 अनुच्छेद है। अगर हम इन सभी देशों के अनुच्छेदों को मिलाएं तब जाकर के भारत का एक भारत के अनुच्छेद बनते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा विकसित, और ये भारत की एक अनोखी बात है कि भारत का संविधान जो है वो सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। जो सबसे लिखित संविधान, सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का माना जाता है, और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान भी माना जाता है, वही भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान माना जाता है। अब देखिए इसकी थर्ड विशेषता आती है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की थर्ड विशेषता जो है वो है प्रस्तावना। स्टार्टिंग हम 2 पेज खोलेंगे और उन 2 पेजों के अंतर्गत जो है हम उसका सिलेबस पैटर्न देख लेंगे, उसका सब्जेक्ट मैटर देख लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि इस किताब के अंतर्गत क्या है। उसी प्रकार किसी भी देश के संविधान को समझने के लिए वहां की प्रस्तावना को देखा जाता है। प्रस्तावना जो है उस देश के उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करती है। क्या करती है प्रस्तावना? प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों व लक्ष्यों को निर्धारित करती है। प्रस्तावना यानी भारत के उद्देश्य लक्ष्य में इसमें कितने प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की समानता है, धर्म निरपेक्षता, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक समानता, इस प्रकार जो है प्रस्तावना के लिए कर दिया गया है। इसी वजह से जो है के एम मुंशी ने इसे क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली कहा है। प्रस्तावना के अनुच्छेद ने क्या कहा? राजनीतिक कुंडली। देखिए इसको सरल तरीके से याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि के एम मुंशी जो है जैसे हमारी मुंशी होती है गोल एक कुंडली बना करके रखती है, उसी प्रकार मुंशी ने जो है क्या है इसे राजनीतिक कुंडली का, इस तरीके से हम इसको इजी वे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखो जिस प्रकार कुंडली क्यों कहा है इसको, जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति की कुंडली बनाई जाती है जब उसका जन्म होता है या जब भी उसकी जरूरत होती है, तो उस टाइम उसके क्या है उसके उसके भविष्य में क्या होगा, उसके लिए क्या लिखा है, उसके जीवन में क्या होना है, ये सब एक कुंडली के माध्यम से हमें पता चल जाता है। उसी प्रकार प्रस्तावना के लिए भी के एम मुंशी ने कहा कि भारत के क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या नीतियां रहेंगी, क्या लक्ष्य रहेंगे, ये सब प्रस्तावना के अंतर्गत पता चल जाता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? राजनीतिक कुंडली कहा गया है। अब देखिए इससे इसके अलावा इसे न्यायमूर्ति हिदायत गुला ने, न्यायमूर्ति हिदायत गुला ने जो है इसे क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा है। न्यायमूर्ति हिदायत गुला ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा। कि भारत की जो प्रस्ताव भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। गोलकनाथ बनाम राज ने इसने कहा, गोलकनाथ बनाम भारत संघ ने, गोलकनाथ बनाम भारत संघ ने इसने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अब देखिए संविधान की आत्मा शब्द 2 जगह आता है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। एक शब्द संविधान की आत्मा संविधानिक अनुच्छेद 32 संविधानिक चारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, जिसने भीमराव अम्बेडकर ने, और यही प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। 2 जगह संविधान की आत्मा का प्रयोग किया जाता है,
भीमराव अंबेडकर ने जो है वो संविधान की आत्मा कहा है। अब देखिए प्रस्तावना कहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग यानी भारत का संविधान जो है भारत की जनता के द्वारा निर्मित किया गया संविधान है, जनता ही इससे अंगीकार करती है, अधिनियमित करती है और आत्मार्पित करती है, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन ही भारतीय संविधान के अंतर्गत शासन संचालित होता है। अब देखिए हम भारत के लोग इसकी शुरुआत होती है, इसकी जो समाप्ति होती है वो होती है अंगीकार, अंगीकार अधिनियम और आत्मार्पित। आत्मार्पित करते ठीक है। इसके बाद में अब देखिए संविधान की थर्ड विशेषता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो कहां का है, भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का है, भारत का। अब देखिए भारत का जो संविधान था उसे बनाने में 2 वर्ष ज्यादा भारत के संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय परिस्थितियों को देख करके विभिन्न देशों का अध्ययन करके वहां से जो है कानून नियमों को उठाया गया, भारत में डाला गया है। भारत का संविधान सबसे पहले जो लिखित संविधान है, हाथों से लिखा गया संविधान है, और इसके पश्चात निर्मित यानी बनाया गया खुद से, खुद के संविधान दल से। किसे निर्मित किया गया, संविधान समिति ने, और ये संविधान समिति कौन थी, हम भारत के लोग। संविधान समिति ने इसे निर्मित किया था, और संविधान समिति ने कौन लोग थे, भारत के ही में मुख्य जो नेता वर्ग थे, अधिकारी थे, व्यक्ति थे वो थे, और इस संविधान समिति के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। अब देखिए संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित होता है और एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान की प्रेरणा जो है हमने अमेरिका से उठाई है, और अलिखित संविधान का उदाहरण क्या होगा, अलिखित संविधान का उदाहरण क्या रहेगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, परंपराओं, रूढ़ियों, नीतियों आदि के आधार पर परंपरागत रूप से चला आ रहा है, और वो जो वहां का संविधान जो है लिखित समय समय अनुसार वो परिवर्तन करते रहते हैं। तो संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और एक है अलिखित। भारत का संविधान कैसा संविधान है, लिखित और निर्मित